सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। राहुल के पॉलिटिकल करियर से बड़ा संकट टल गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि अब तक विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय नहीं हो सका है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय नहीं हुआ है। मुंबई में विपक्ष की तीसरी बड़ी बैठक होनी है। इसमें गठबंधन के संयोजक की नियुक्ति के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया जाना है। इसी बैठक में अलग अलग मुद्दों के समाधान के लिए विशिष्ट कमेटी गठित होगी। राहुल गांधी मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत ना मिलने से कांग्रेस भी पीएम फेस को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी। गठबंधन को लेकर फॉर्मूले और समझौते के लिए भी पीछे हटते नहीं दिख रही थी, लेकिन अब सुर और ताल दोनों में बदलाव देखे जाने की संभावना बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर नए सिरे से रणनीति बना सकती है। बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम फेस के लिए राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया था। ममता ने कहा था कि राहुल हमारे पसंदीदा नेता है। हालांकि तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहते हुए टाल दिया था कि कांग्रेस को सत्ता का लोभ नहीं है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई है, तो कांग्रेस भी एक्टिव हो सकती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ देर बाद ही लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी तुरंत स्पीकर के पास पहुंच गए और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने की मांग करने लगे। स्पीकर ने आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लिया जाएगा। वही विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर कुछ सदस्यों की कार्यता नहीं देखी जाती रही है। जून में पटना की बैठक हो या जुलाई में बेंगलुरु की मीटिंग, निजी तौर पर कई विपक्षी नेता राहुल को एकजुट विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने से सावधानी बरतते दिखे हैं। खुद ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने बयान देकर माहौल में सरगर्मियां बढ़ाई थी। इतना ही नहीं, राहुल के बयानों से भी इंडिया में शामिल दलों ने खुलकर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन को ही ले लीजिए, उद्धव गुट हो या फिर एनसीपी, वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस और इनके बीच कई बार दिक्कतें देखी गई है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर राहुल इसी तरह सावरकर का अपमान करते रहे तो विपक्ष की एकता में दरार आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता के अगुवाकार नीतीश कुमार की बात करें तो पहले वो प्रधानमंत्री पद के खुद को दावेदार बताते रहे थे, चर्चाएं थी, लेकिन हालांकि अब उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। नीतीश का कहना है कि वो बीजेपी को हटाने के लिए सभी दलों को साथ लाए हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि चेहरा सामने लाने से विपक्षी एकजुटता की मुहिम को नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का चेहरा आगे किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रणनीति है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर इंडिया में भी हलचल बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।